हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ कि जैसे कि आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है और आई होप जो भी एग्जाम दे रहे हैं नोटिफिकेशन को आए हुए 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और जो जो भी इस एग्जाम को देने की तैयारी में है उन्होंने कोई ना कोई तो टेस्ट सीरीज ले ली होगी और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। तो अब मैं उनके लिए देख के आई हूँ कि जो भी है, जैसे मैं जो प्रैक्टिस करने वाली हूँ इसका मैं सारा आपसे डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, हाउ आई प्रैक्टिस और मैंने कैसे हाउ आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन आरआरबी पीओ एंड 75 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन आरआरबी क्लर्क और दिस आई हैव स्कोर्ड कंटिन्यूसली फॉर 2 ईयर्स मीन्स 19, 20, 21 तीनों ईयर्स में मेरे मार्क्स जो आरआरबी पीओ में रहे वो ऑलवेज 62-65 के बीच में रहे हैं, आरआरबी क्लर में हमेशा 7-75 के बीच में रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको कि मैं ये कैसे स्कोर करती हूँ और आगे की स्ट्रैटेजी आपको क्या हो। तो जैसे कि आज मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाली हूँ, जो मेरा रूटीन है सबसे पहले मैं 1 या 2 दिन में, नॉट डेली, 1 या 2 दिन में प्री का मॉक हमेशा देती हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी जो क्या है मेरे पास जो है प्रैक्टिस मॉक जो है पीएम के जो प्रैक्टिस मॉक होते हैं उसका टेस्ट सीरीज है और उसके लिए मैंने आरआरबी पीओ का और यू कैन से स्केल 1 ऑफिसर का मॉक सेकेंड दिया और उसका एनालिसिस मैं आपके पास लेके आई हूँ कि वहां पर क्या था। सबसे पहले तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे वहां पर मिला, जो कि आपके साथ एग्जाम में ऐसे नहीं होने वाला है, इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां पर था 4 DI, 1 टेबुलर, 1 टेबुलर, 1 पाई चार्ट, सेकेंड थर्ड वॉज लाइन ग्राफ एंड फोर्थ वॉज कैसलेट। ये हमारी 4 DI थी वहां पर। टेबुलर बहुत इजी थी, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल दिए हुए थे कि वो कैसे कोचेस में ट्रेवल कर रहे हैं और सिर्फ प्लस माइनस आपको करना था। पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, उन्होंने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि कोई एक चीज है उस टोटल 1300 था एंड दे आर परसेंटली मतलब 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई थिंक आईटी कंपनीज के कुछ नेम थे, सॉरी एलईडी एलईडी बल्ब के बारे में थी। लाइन ग्राफ वॉज अबाउट, आई फॉरगॉट अबाउट दिस, एंड कैसलेट जो बेस थी वेरी इंटरेस्टिंग डीआई, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग डीआई लगी बिकॉज ये जो थी ना वो थी हमारे टाइम एंड वर्क पर बेस। और प्री में आपको कभी भी ऐसी डीआई देखने को बहुत ही रेयर मिलती है बट फॉर प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छा लगा ये डीआई देख के। बहुत सिंपल था, ऐसा था कि जो टाइम बेस्ड आपके जो क्वेश्चन रहते हैं ना, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे उसकी जगह उन्होंने डीआई दे दिया था कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ए और बी, ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है, ए और ई मिला के कितने दिन में करेंगे, ऐसे 5 थे। बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके सीरीज से थे, 5 सीरीज से थे और 5 आपका था सिंप्लीफिकेशन, 5 आपका सिंप्लीफिकेशन था। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चन। आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं वो थे बेसिक मैथ्स से और यू कैन से मिसलिनियस से थे, बेसिक मैथ्स से थे। तो बेसिक मैथ्स में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या किया। बेसिक मैथ्स में भी 1 क्वेश्चन था पार्टनरशिप से, 1 क्वेश्चन अगेन टाइम एंड वर्क से था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एजेस बेस्ड था, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन एजेस, ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको यहाँ पर सीरीज डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी सीरीज जो आई थी तो वो मैंने कैसे सॉल्व करी और मतलब कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करी। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने जो रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर रीजनिंग में मैंने क्या किया उसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अभी मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, उसके पास मैथ्स में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो जो आपकी प्रैक्टिस है ना ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जैसे जैसे मैं अगले 2 महीने और प्रैक्टिस करूंगी मेरे प्रैक्टिस से क्वेश्चन आराम से 65 प्लस हो जाएंगे और 60 प्लस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आरआरबी में एक्यूरेसी हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो सिर्फ 50 क्वेश्चन करके आए थे और जहां भी स्टेट का 55 तक कट ऑफ गया था उनके मार्क्स 55 आए थे, मतलब 51 से करने के बाद उनको 55-56 स्कोर हुआ था बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी,
जब भी आपकी एक्यूरेसी आरआरबी में अच्छी होती है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सीरीज के क्वेश्चन आए थे वो क्या आए थे। तो जो फर्स्ट सीरीज का क्वेश्चन था वो हमारा था लाइक आई एम गोइंग टू राइट हियर 132, 143, 155, 167, 182 एंड लास्ट टर्म वॉज 197। अब इसमें से आपको रॉन्ग नंबर निकालना था। अब यदि आपको थोड़ा सा भी इसको अच्छे से देखोगे तो यहां पर क्या है, 11 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर हमको 12 का डिफरेंस दिख रहा है, देन अगेन ये 12 का डिफरेंस दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस अब यहां हम देख सकते हैं 11 और 12 हो रहा है, दैट मींस ये डिफरेंस तो 167 यहां गलत हो जाएगा। एक तो ये था, तो इस सीरीज को देख के आपको यहां थोड़ा सा ऐसे समझ में आना चाहिए कि, और आप इधर लास्ट टाइम भी देखोगे यदि इनमें देखोगे तो ये देखो 15 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली ये 13 और 14 का डिफरेंस होना चाहिए, ये वाली जो टर्म है हमारी वो गलत हो जाएगी। तो ये एक बार आपको सीरीज को देखना है कि 137 है, 142 है, 155 है और 167 है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है यहाँ पर टर्म्स, जो आपकी टर्म्स है वो बहुत तो आराम आराम से बढ़ रही है और डिफरेंस भी डायरेक्ट दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा था 20, 36, 72, 136, 230, 380, 576। अब इसमें देखेंगे, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा क्योंकि आगे की जो स्टार्टिंग की सीरीज की टर्म्स है वो बहुत पास पास है। तो यदि आप इसको थोड़ा सा भी अच्छे से देखो तो ये देखो, ये इनका डिफरेंस कितना है, 60, 36, 64। जब आपने तीन टर्म्स को देख लिया तो यहां से ये चीज तो समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है, जो कुछ भी हमारा डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमको क्या लग बन रहा है, मतलब इवन नंबर जो हमारे सीरीज है उनके स्क्वायर्स है। जैसे आप देखोगे ये 16 है, 4 का स्क्वायर होता है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है। इसके बाद जब हम इन दोनों का करेंगे तो हमारा क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, और उसके बाद यदि आपको यहां देखना है तो सबसे पहले यहां आके आप चेक कर लो, क्योंकि यहां पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा होगा। ये 94 हो रहा है, ये बल्कि 94 नहीं होना था, ये जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए ये 100 होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस टर्म से जाते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 100। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 236। अब यदि हम देख सकते हैं कि 380 माइनस 236 यदि हम करेंगे तो हमको अपना सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर 380 माइनस 236 जब करेंगे तो हमको 144 मिल जाएगा, जो हमारा 12 का होगा। और यदि उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है तो 14 का भी देख सकते हो, 6, 9 और 196, ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है टर्म्स को, ऑब्जर्व करो, मतलब सीरीज को एकदम से लगने से अच्छा उसको ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सीरीज था वो था 236। नेक्स्ट सीरीज वॉज 236, उसके बाद 229, 237, 228, 238 एंड 226। आप इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा हो रहा है। इस टाइप की सीरीज में दो चीजें हो सकती है, यदि हम यहां पर देखें माइनस वन हो रहा है, अगेन माइनस वन हो रहा है, यहां पर माइनस टू हो गया, 226 हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद 336, 337, 338 ये बिल्कुल सही है, मतलब ये जो टर्म है वो 227 आनी चाहिए थी, ऐसे देखते हैं। लेकिन हम दूसरा लॉजिक यदि लगाते हैं तो हम उससे देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि जब रॉन्ग नंबर सीरीज होती है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना, उसमें ऑल्टरनेट सीरीज का बहुत कम चांसेस होता है कि वो ऑल्टरनेट सीरीज भी लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं हम, प्लस 6 हो रहा है, दिस इज माइनस 7, दिस इज प्लस 8, माइनस 9,
प्लस 10 माइनस 11 होना चाहिए। तो इसमें से यदि हम माइनस करते हैं 7 2, तो ये अगेन हमारा 227 आ रहा। मींस इस सीरीज में दो लॉजिक रख रहे हैं, एक तो नंबर इंक्रीज हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है, और दूसरा ऑल्टरनेट सीरीज को भी यदि आप देख लोगे तो बहुत जल्दी लगेगा। जैसे मैंने जो टर्म पिक किया था मैंने ऑल्टरनेट सीरीज से किया था, तो मेरा 227 एक ही बार में आ गया था, मैंने ये वाला लॉजिक नहीं लगाया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 60, 63, 97, 138, 190, 238, 190, 255। अब इन दोनों का डिफरेंस, जब भी आपको यहां देखो 60 है तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जीरो है कि क्या है। तो सपोज ये डिफरेंस तो जीरो है, अब यहां से देख लेते हैं। जब भी मुझे ऐसे का डिफरेंस दिखता है ना तो मैं पीछे साइड चली जाती हूँ तुरंत ही। तो ये डिफरेंस यदि आप देखोगे तो 65 दिख रहा है। इन दोनों के बीच का यदि आप डिफरेंस देखोगे तो ये 52 दिख रहा है। ये दोनों का डिफरेंस यदि आप देखोगे तो कितना दिख रहा है, 41 दिख रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये 13 है। कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो 65 है ये हमारा 13 का मल्टीपल है, 52 भी है और 13 भी है। मतलब जो गड़बड़ हुई है वो यहाँ कहीं हुई है, 97 वाले टर्म पे हुई। तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि 97 अब क्या है। ये जो जीरो है ना वो है 13 × 0 = 0, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 26 होना चाहिए। तो इसको यदि हम प्लस कर देंगे तो 99 आ जाएगा, और जब हम 138 में से 99 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 39 मिल जाएगा। तो हमारी सारी टर्म हो गई 13 × 13 = 26, 13 × 3 = 39। मीन्स हमारा जो टर्म 97 था वो गलत था। ये आपको अब समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 120, 124। क्वेश्चन वॉज 120, 124 प्लस 130, 138, 148, 160 and 178। जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे ना तो जहां जहां आपको थोड़ा सा कम ज्यादा डिफरेंस जैसे इजीली दिख रहा हो ना तब वो देख लो। जैसे यहां पर आप देखते हो ये 4 है प्लस 4, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है प्लस 6 प्लस 8, और इधर आप जाओगे तो आपका कितना हो रहा है प्लस 18 प्लस 10 प्लस 12। तो ये तो प्लस 14 आना चाहिए था, 160 प्लस, तो ये जो है हमारी 178 टर्म जो है वो गलत है। जो 178 टर्म है वो हमारी लास्ट टाइम गलत हो जाएगी। ये हमारे आज के सीरीज के क्वेश्चंस थे जो कि मॉक में आए हुए थे। अब मैं आपको और आगे ही ऐसे ही इसी मॉक के, ऐसा नहीं है मैं कुछ कुछ वीडियोस में मतलब पार्ट्स में लेके आऊंगी, मैं एक दिन में 35 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करा पाऊंगी। उसके बाद मैं आपको सारे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी और मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगी। जैसे ये जो मैंने सॉल्व किए वो आज ही सॉल्व किए, सुबह उठी मेरा जो अपना काम था वो किया, जो मेरा अनअकैडमी वाला काम था वो किया मैंने सबसे पहले। उसके बाद जो मेरे पास कुछ एक दो लेक्चर्स और थे वो लेक्चर्स लिए मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना मॉक दिया। मेरा सबसे पहला काम जब होता है, जब भी मैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग है एज कम्पेयर टू अदर, तो मैं मॉक देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मॉक दे दिया मतलब मेरे पास आज के दिन भर के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या है। जैसे आज मैंने क्या किया, सिलॉक्स का एक क्वेश्चन गलत किया, और कल जब मैंने एक क्वेश्चन सिलॉक्स का गलत किया तो अब मुझे पता है ना कि अब मुझे जो टॉपिक है वो स्लॉक्स पढ़ना है। और स्लॉक्स में भी जो मैंने क्वेश्चन गलत किया था वो ऐसे किया था कि ऊपर नीचे लग गया था। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप जब बहुत मतलब जल्दी में ऐसे हरी में मॉक दे रहे होते हो, मॉक नहीं मतलब पेपर एग्जैक्टली, आज तो मैंने इतना काम होके मॉक दिया था तब भी इतनी दिक्कत, मतलब ऐसे यदि मैं गलत कर रही हूँ तो आगे देखो ना जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या प्रेशर रहता है उस पर। देखो
थैंक यू। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही मैं और आपको डेली डेली क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच।